सो इन्होंने अब तक एक और पोकेमोन लॉन्च किया जो कि अल्ट्रा म्यूटू, और मतलब स्टील अच्छी हुई, मतलब इसकी स्टील की मेरे वाले की स्पीड अच्छी हुई तो मैं जीत जाऊंगा, तो मैं पावर जम का फिर सो हेलो ट्रेनर्स, हम वापस आ चुके हैं यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ गाइज। ठीक है, तो यार तुम यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जैगाट है और मतलब यार प्लेयर भी कोई और है, इसका नाम भी कोई और है। सो गाइज, इस वाली वीडियो में हम जो है गोकू गेमिंग से फाइट करने वाले हैं। ठीक है, यही इस आईडी की होने के यहाँ पर रीज़न है सबसे बड़ा, तो मतलब तुम समझ ही सकते हो कि यार उनकी आईडी जो है 95 लेवल की है और मतलब यार जो मेरी आईडी है कम ही लेवल की है। ठीक है, इनसे बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब जो मेरी आईडी थी नॉन वीआईपी वाली, तो वो जो आईडी है वो बहुत ही कम लेवल की है और मतलब गाइज वो उनसे फ़ाइट करने के एबल नहीं है, इसीलिए मैं उस आईडी से फ़ाइट नहीं कर रहा हूँ। अगर वो मान लो 95 की होती ना अगर, तो मैं उससे फ़ाइट ज़रूर कर लेता गाइज। ठीक है, पर मुझे जो है ये आईडी मैंने नई परचेज़ की है, इससे मैं बैटल करूँगा उनके साथ। दिखाता हूँ अभी कैसी आईडी है। इसके अंदर गाइज मेरा फेवरेट पोकेमोन जैगाटे भी है और मतलब तुम दिखा देता हूँ मैं तुमको कि कितने सारे पोकेमोन है। ठीक है, तो इन पोकेमोन से आज हम जो है गोकू गेमिंग के साथ फ़ाइट करने वाले गाइज। सो ठीक है गाइज, बातें बहुत हो चुकी है, अब जो मैं जल्दी से कॉन्टेस्ट पे जाके और ग्लोबल पे क्रॉस सर्वर पे चलता हूँ गाइज। ठीक है, मैंने आईडी के तुमको सारे पोकेमोन दिखा दिए, अब मैं इनकी स्ट्रैटेजी तुमको दिखाऊंगा गाइज यहाँ पर कितना टाइम है। तो गाइज 10 बजे हुए यहाँ पर रात के, तो इस टाइम पे एक्सरसाइज मैदान खुला नहीं होता, तो मेरे को यहाँ पर आना पड़ा क्रॉस सर्वर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है गोकू गेमिंग को बुलाता हूँ सबसे पहले। सो गाइज, गोकू गेमिंग का हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइज। ठीक है, तुम सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, अगर तुमने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया गाइज जब तक, तो जल्दी से जाकर फॉलो कर दो। तुम इंस्टाग्राम पे PSS गेमर किंग सर्च करोगे तुमको मिल जाएगा। ठीक है, हमारा एक हैगा नॉर्मल अकाउंट जो तुम्हारी हेल्प करता है, ठीक है, और एक हैगा प्रीमियम सर्विसेज अकाउंट जो तुमसे थोड़ा सा चार्ज करके तुम्हारी हेल्प करता है। ठीक है, दोनों अकाउंट है, दोनों को फॉलो कर लेना, दोनों आके जाके काम आएंगे। प्रीमियम अकाउंट के बारे में अभी मैं आगे जो है थोड़ी वीडियोस बनाऊंगा, उसमें तुमको बताऊंगा कि उसकी सर्विसेज कैसे होती है, अभी तक तो मैंने भी उसको फिक्स नहीं किया। ठीक है, पूरी की पूरी टीम डाल रखी है उसमें मैंने। ठीक है, सो गाइज, उसके बाद हमारा जो है टेलीग्राम पर भी एक चैनल है, वहाँ पर डिस्कशन चलते हैं, बहुत ही प्रो प्लेयर्स हैं वहाँ पर, वो भी तुम्हारी हेल्प करते हैं। ठीक है गाइज, तो वहाँ पर भी ज़रूर से आके ज्वाइन हो जाना। सो गाइज, मैंने यहाँ पर गोकू गेमिंग को जो है रिक्वेस्ट भेज दी थी। ठीक है, और मतलब रिक्वेस्ट भेजने के बीच के दौरान में मतलब क्रॉस सर्वर में कुछ अरे होंगे भाई, कोई आपस में एक दूसरे को गाली वाली दे रहे थे, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर उनको रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है गाइज, तो देख सकते हैं यार इनके सारे पोकेमोन, यार देख सकते हो पूरे फुल स्टार फ्रेम में है, बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, तो इनके साथ हमको बैटल करनी पड़ेगी, मतलब यार इनका भी चलो कोई नहीं, बराबर लेवल का है, तो देखते यार कौन जीतेगा। तो यार मैं पहले क्या छोड़ता हूँ यार, स्टील टाइप के दो पोकेमोन इनके पास और दो नहीं तीन है, तो इसलिए नागडेल यार यहाँ पर काम नहीं करेगा। मैं यार क्या छोड़ता है यहाँ पर, इसने छोड़ दिया खुद ही। सो गाइज, पहले मैं ही अपने सामने फेरियस पोकेमोन ड्रैगन के सामने, मतलब यार मेरी आईडी ने कोई मूव लॉन्च नहीं कर दिया हो, नहीं तो पंगा हो जाएगा। चलो बच गए यार। सो भाई साहब, इनका झटका भी काफ़ी कमाल का था अभी, और देखते अभी क्या होता है कि स्पीड के ऊपर है गाइस। ये देख सकते हैं वाटर स्पोर्ट का यहाँ पर यूज़ करता हूँ, स्पीड के ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ पर क्यों अगर इनको हिट देगा या ये क्यों अगर इनको हिट देंगे। ठीक है, HP की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके ऑर्गिन म्यूटू की है 8287। सो गाइस, इन्होंने यहाँ पर जो है स्टेल्थ रोग बिछा दिया है, और यही सीन जो है हमेशा गंदा हो जाता है स्टेल्थ रोग का, तो मतलब यार देखते हैं फेरियस पोकेमोन किस से बच सकता है। तो भाई मेरे हिसाब से तो दिक्कत होने वाली है गाइज, ये वाली असली दिक्कत थी। यहाँ पर भी वाटर स्पोर्ट का मेरे को यूज़ करना था, मैंने थंडर का यूज़ कर दिया थंडर पोकेमोन के ऊपर। ठीक है, सो कोई नहीं, अभी जो हम देख लेते हैं पर मतलब जायगाडे को मैं भेजता हूँ, क्योंकि यार स्टील म्यूटू मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है। ठीक है, सो जायगाडे 100% है गाइज, नॉन कन्वर्जन है। ठीक है, फिर भी चलो ठीक है, काफ़ी हद तक जो है डैमेज को रिड्यूस कर दिया यहाँ पर जैगाडे ने, अच्छी बात है इसकी। अब जो हमें यहाँ पर सबसे पहले यार, इसके पास ड्रैगन डांस नहीं है गाइज, ये सबसे बड़ी इसकी दिक्कत है। कोई नहीं, मैं अभी इनका यूज़ करता हूँ, देखते हैं कौन सा पोकेमोन आएगा। भाई रिक्वेजा आ गया है, और अब जो है इनका रिक्वेजा स्मैकडाउन स्टेट में जाने वाला है। इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी भाई, कितना ज़्यादा डैमेज है यार रिक्वेजा का, तुम देख सकते हो।
ख़त्म करेगा गाइस, अगर मेरे पास फैरी पोकेमोन नहीं हुआ तो ख़त्म है यार। तो ये अभी मारेगा ड्रैगन अटैक, कौन डिफीट कर सकता देख के आता हूँ मैं। सो गाइस ऑटोमेटिक ही चल गए यहाँ पर देखने के चक्कर में, और जायगार्डे ने मतलब अब तक मूव लॉन्च कर दिया होगा। पिट गया जायगार्डे यार, फालतू में पिटवा दिया मेरा जायगार्डे यार, तुम लोगों ने कैसे इंसान हो। चलो ठीक है, जो भी है इनके रिक्वेजा की हालत ख़राब कर दी। अगर मेरे पास यार ड्रैगन डांस होता ना तो अभी मैं इसको पीस के रख देता, सच्ची बोल रहा हूँ। चलो कोई नहीं, अभी जो है जायगार्डे का जाने का मतलब नहीं था यार, क्योंकि इसी का जो है मतलब है यहाँ पर टीम बचाने का, यही बचा सकते गाइस अपनी टीम को। सो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, नेगेले को लाता हूँ गाइस, देखते कैसा डिफेंस है इसका। भाई ये भाई इसके पास फ्लाइंग का रिड्यूस है, मतलब यार फ्लाइंग टाइप पोकेमोन इसको मार नहीं सकता, अच्छी बात है। चलो सबसे पहले हम इनको जो है स्टेल्थ रो को देखें, इनकी पावर खींचते थोड़ी। ओ भाई साहब इनके पास भी स्टील म्यूटू, चलो ठीक है गाइस, स्टील म्यूटू जो एस पी अटैक पोकेमोन है तो इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बाकी स्टील टाइप का यार ये मुसीबत है। पर ठीक है, मैं पहले प्रोटेक्ट का यूज़ करता हूँ और थोड़ी सी पावर कलेक्ट करता हूँ इनकी एचपी की। बच गए गाइस प्रोटेक्ट का यूज़ करने से। उसके बाद गाइस सबसे पहले इसको यहाँ से भागना पड़ेगा। सो गाइस स्टील से तो यहाँ पर अब तक सिर्फ जायगार्डे ही अपना लड़ सकता है, बाकी मैं रिक्वेजा को देखता हूँ अभी। ठीक है, रिक्वेजा को पावर अप करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि यार गोकू गेमिंग भी यार यूट्यूबर है, नॉर्मल प्लेयर नहीं है। ठीक है, इनके अब तक 1 2 3 4 5 4 पोकेमोन रिवील हुआ है। ठीक है, मेरे शायद से सारे हो चुके हैं। सो मैं यहाँ पर ड्रैगन डांस का गाइस यूज़ करता हूँ, जिससे मेरी स्पीड भी अप होगी। ठीक है, मेरे को स्पीड की सबसे ज़्यादा जरूरत है इस टाइम पे। इनके पास है गाइस आसगार्ड एवियोर फुल टाइप में गाइस, पॉइजन रॉक स्टील। सो क्या लगता है गाइस, मैं इनको हरा पाऊंगा? मेरे पास रूनस भी नहीं है गाइस अभी तो। चलो ठीक है गाइस, हम डायरेक्ट से जो आई स्पिन एंट का यूज़ करते हैं, और रेजिस्ट तो है नहीं। चलो आधी पावर ले गए इनकी, इन्होंने यूज़ किया ब्लेड भाई, आधी पावर ये भी ले गए। स्वॉर्ड डांस का यूज़ यहाँ पर होना चाहिए था मेरी तरफ से। ठीक है कोई नहीं, इनकी बाकी पावर को भी हम ख़त्म कर देते हैं आई स्पिन एंट का यूज़ करके। ओ भाई बच गए, चलो भाई। पर यार मेरे रिक्वेजा की यहाँ पर जो विंड होती है ना गाइस, जिससे इसकी पावर अप होती है इसकी और क्या वगैरह की, इनके खुद के वेदर जो होते हैं वो हट चुका है यहाँ पर यार गार्डेवियर की वजह से। भाई साहब इसको कैसे हराऊंगा यार मैं, जायगार्डे का मरना तो यहाँ पर बनता नहीं है गाइस। मैं काम करता हूँ स्टील म्यूटू को छोड़ता हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि वो फाइटिंग पोकेमोन है और शायद से लड़ पाएगा इससे। चलो ठीक है गाइस, अब होता है बराबरी का मुकाबला शुरू। नेस्टी प्लॉट का यूज़ करता हूँ सबसे पहले। भाई फेरीज की कमज़ोरी है नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो हम जो है फिलहाल से थोड़े से बचे हुए हैं। फायर पंच मारा भाई साहब ने, ये कमज़ोरी जो, ठीक है, बाकी मेरी स्पीड इनसे ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा रिकवर करके मज़े लूँ। सो गाइस मैंने रिकवर किया और यार बर्निंग स्टेट लगा दिया यार ये हाथ है। ठीक है गाइस, ख़त्म करते हैं इस मामले को रफा दफा। तो मैं आप पर मारता हूँ पावर जम, मारूँ क्या? इसकी भी 100 हिट है और इसकी 110 है, पर नहीं यार स्टील का रेसिस्ट होगा ना। नहीं यार स्टील का ही मैं यूज़ करता हूँ, क्वार्टन ब्रस्ट का। सो गाइस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पावर और एसपी डिफेंस माइनस कर दिए भाई साहब। अब आएगा असली मज़ा गाइस खेल का, इनका एसपी डिफेंस माइनस में है, और भाई अगर मैंने अटैक किया तो यार स्टील म्यूटू जाएगा, और नहीं किया तो भाई ये ख़त्म कर देगा। तो मेरी बात मानो, सबसे अच्छा पावर जम किक मार लेते हैं, ख़त्म करके जाओ, हो सकता है बच भी जाए गाइस। बच गया गाइस, कंग्रेचुलेशन। सो गाइस सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और गाइस सिलेंडर फेंक के मारो या मोमबत्ती, वो लाल रंग का बटन प्रेस हो जाना चाहिए, मुझे नहीं पता, ठीक है। सो इन्होंने अब तक एक और पोकेमोन लॉन्च किया जो कि अल्ट्रा म्यूटू, और मतलब स्टील अच्छी हुई, मतलब इसकी स्टील की मेरे वाले की स्पीड अच्छी हुई तो मैं जीत जाऊंगा। तो मैं पावर जम का फिर से एक और बार यूज़ करता हूं भाई। गाइस हमने इनके 1 2 3 पोकेमोन अब तक हरा दिए।
और भाई मेरे कमज़ोर स्टील म्यूटो पे मेरे को इतना ट्रस्ट नहीं था कि वो ये सब कर देगा, ठीक है। तो मैं नेगालो का यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारे जयगाडे को पावर की जरूरत है इस टाइम पे। ये काम जो है बिल्कुल सही हो गया गाइस, ठीक है। फ्लाइंग रेसिस्ट में वो ड्रैगन ज़्यादा मार नहीं पाएगा, तो ठीक है। हम जो यहाँ पर लीच सीड का यूज़ करते हैं, भगाओ इनको भाई, ख़त्म। हद से ज़्यादा तेज था यार ये डैमेज, स्पीड चाहिए इस टाइम पे मेरे को यार। कोई बात नहीं यार, मैं ये तो बात भूल ही गया था कि इसका वेदर मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर आप जो है, मैं यहाँ पर आइस बीम का यूज़ करता हूँ, और मतलब इतना तो है पता है मेरे को कि ये जल्दी से मार नहीं पाएंगे इसको। पर यार ये जो मूव है ना यार, ये क्योगरे के लिए सबसे जानलेवा होता है, एंशियंट वाला। भाई की स्पीड अप गाइस, कंग्रेचुलेशन फिर से। सो अब इनके जो है दो ही पोकेमोन बचे हुए हैं अपने पास हैं ये। कितने अब तक अपने पास है भाई, एक दो तीन चार पोकेमोन जिंदा है, जिसमें मैंने नागडेल का अभी तक यूज नहीं किया है। और मतलब यार यहाँ पर एक काम करते हैं, हम क्योगरे को मरवा लेते हैं, ये करना पड़ेगा गाइस, मजबूरी है इसकी। फिलहाल इनका स्टील भी अभी तक जिंदा है यार, भाई साहब। चलो वाटर स्पोर्ट का तो मान लेते हैं, उसका काम ही हैगा। मैं क्लाइम माइंड का यहाँ पर यूज़ करता हूँ क्योंकि एसपी अटैक पोकेमोन है, जल्दी से नहीं मार पाएगा। बाकी इन्होंने सोचा था कि मैं चेंज करूँगा पोकेमोन, ठीक है। इन्होंने भी क्लाइम माइंड का गाइस यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। सो वाटर स्पोर्ट का मैं अगेन से यूज़ करता हूँ। भाई साहब ने भी इलेक्ट्रिक का यूज़ किया भाई, क्योंगरे जो है ना इलेक्ट्रिक से फिट जाता है, देख सकते हो वीक पॉइंट ही इलेक्ट्रिक है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर डिफेंस करके गाइस इतना ज़्यादा मजबूत थी यार, मान सकता हूँ यार क्योंगरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस आईडी का। चलो गाइस फ्री स्टेट दे दिया है। और भाई गोकू गेमिंग भाई लांडा ला लो ये भाई का रिएक्शन। सो गाइस मैं यहाँ पर क्लाइम माइंड का और यूज़ करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। भाई फ्री स्टेट से इतनी जल्दी निकल गए यार। सो ओके गाइस, एक और आइस बीम देते हैं। इसकी आइस बीम की यार प्रायोरिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सो गाइस इनका लास्ट पोकेमोन है वो हैगा स्टील म्यूटू। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्योगरे का मरना बनता है गाइस, क्योंकि जयगाडे की एंट्री तभी होगी जब क्योगरे जाएगा, ठीक है। क्या कर क्या रहा है यार। सो डबल पावर यहाँ पर अप होगी, एक लीसीड की वजह से और एक होगी एक क्योगरे की बारिश की वजह से, ठीक है। सो यहाँ पर थंडर का यूज़ करता हूँ मैं, भाई साहब ने ख़त्म कर दिया है। सो गाइस अपना नेक्स्ट पोकेमोन है वो है जयगाडे। मतलब यार टक्कर का मुकाबला चल रहा है कि अगर इन्होंने अभी जयगाडे को हरा दिया तो भाई हम ये मैच हार भी सकते हैं। सो देखते हैं, सबसे पहले मैं रेस्ट का यूज़ करता हूँ। भाई साहब ने अर्थक्विक दे दिया यार, गाइस क्या था ये, अर्थक्विक से बच गया, देख सकते हो यार। फिलहाल तो पावर बहुत ही कम थी जयगाडे की, इन्होंने अर्थक्विक का यूज़ कर दिया जो कि बच गया बिल्कुल। और अब जो मैं इनको ख़त्म कर सकता हूँ गाइस बिल्कुल ईजिली। सो ठीक है, मैं क्या यूज़ करूँ यहाँ पर, कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ, मैं नागडेल का यूज़ करता हूँ। सो ठीक है भाई साहब, इन्होंने जो है कर्टम बूस्ट का यूज़ किया स्टील अटैक, जो कि नहीं नागडेल की कमज़ोरी नहीं है गाइस। तो मैं यहाँ पर यार ड्रैगन थॉर्न का यूज़ करता हूँ, देखते इसकी स्पीड कैसी है। सो गाइस स्पीड तो अच्छी है पर अटैक अच्छा नहीं है। और किसका मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, नहीं यार मैं ये रिक्वेजर लेके आऊँगा तो ख़त्म हो जाएगा। जयगाडे की एंट्री वापस हम करते हैं, तीन पोकेमोन अपने बच गए गाइस पूरे के पूरे, ठीक है। इनका जो है सब पोकेमोन ख़त्म हो चुके हैं। सो गाइस वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, एंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना गाइस, ठीक है। मेरी न्यू आइडिया, अभी मैं इसको सेल नहीं करने वाला हूँ, अब इसको ट्रेनिंग दूंगा। तो गाइस सेल वगैरह करने के बारे में अभी मैंने सोचा नहीं है। इस आइडिया से मैं VIP प्लेयर्स के लिए काम करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं नॉन VIP प्लेयर्स के लिए यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं जो हमेशा से नॉन VIP प्लेयर रहा हूँ, कि जो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते VIP, मैं उनको फ्री में ट्रेनिंग दे सकूँ, ठीक है। उनके लिए मैं रोज़ नई नई ट्रिक्स बनाता हूँ गाइस, ठीक है। सो इस बात से जो VIP सब्सक्राइबर थे गाइस, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तो कोई बात नहीं, मैंने VIP ID परचेज कर लिया, उन सब के लिए भी मैं ट्रिक्स लाता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
सो गाइस इनसे जो हमारी बैटल यहाँ पर हो चुकी है गाइस, ठीक है। ओ हाँ अब याद आया, तो भाई इनका मैसेज था, मतलब यार कोई बात नहीं, हो गया इनसे हमारा कोको गेमिंग से मैटर वैटर सब कुछ। तो भाई इन्होंने हीलिंग मूव लेकर ना लेकर गलती की, और मैंने जो है अपने जो है मूव इनहेंस करने वाले मूव ना लेकर गलती की। सो गाइस आज से जो है 1 साल पहले या 2 साल पहले मैंने जो है गोकू गेमिंग के साथ बैटल की थी, जिसको मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी किया था शायद, ठीक है। सो गाइस उसका बदला इन्होंने मेरे से लिया था, मेरे को हरा के फाइट में, ठीक है। और आज जो इन्होंने मेरे से दोबारा हार मान ली, मतलब दोबारा से मैंने इनको हराया, तो अब इन्होंने मेरे को अगेंस्ट चैलेंज दिया कि मेरे को कभी ना कभी बैटल में हराएंगे, ठीक है। भाई देखते 1 साल बाद मैं कहाँ होता हूँ।